बहुत समय पहले की बात है कि एक गाय अपने झुंड से अलग होकर भटक गई और चलते चलते एक शेरनी के पास आ गई। शेरनी को देखते ही गाय खौफज़दा हो गई। गाय को डरा हुआ देखकर शेरनी ने उसे दिलासा दिया। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने अभी अच्छा सा भोजन किया है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। बहुत बहुत शुक्रिया, असल में मैं अपने झुंड के साथ थी और कुछ सोच रही थी और मुझे पता ही ना चला कि मैं कब अपने झुंड से अलग हो गई। अच्छा, तो तुम क्या सोच रही थी? इस तरह वो दोनों बातें करने लगे और थोड़ी ही देर में अच्छी दोस्त बन गई। फिर वो दोनों हर जगह इकट्ठे इकट्ठे जाती। उनकी ये दोस्ती लोमड़ी को सरा पसंद ना आई और उसे ने एक तरकीब सोची। वो सबसे पहले शेरनी के पास गई और बोली, ये गाय तो सारे जंगल में आपके खिलाफ तरह तरह की बातें कर रही है। वो कहती है कि वो आपकी हर वक्त सेवा करती है, आपको नहलाती है और उसकी वजह से जंगल के सारे जानवर आपका एहतराम करते हैं। शेरनी ने लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान ना दिया और अपनी बात कहकर लोमड़ी भी वहाँ से चली गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते गाय के पास आई और बोली, तुम इधर आराम से बैठी हो और उधर शेरनी तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रही है कि तुम बहुत काहिल और सुस्त हो और अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकती और ना ही अपने लिए खुद भोजन तलाश कर सकती हो। और शेरनी ये सब कुछ तुम्हारे लिए करती है। शेरनी की तरह गाय ने भी लोमड़ी की बातों का जवाब न दिया। अपनी बात कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। जाते जाते लोमड़ी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। अगली सुबह जैसे ही गाय और शेरनी की मुलाकात हुई तो उन दोनों के दिल में एक दूसरे के खिलाफ इतना बोझ भरा हुआ था कि एक दूसरे को देखते ही उन्होंने हमला कर दिया और फिर उन दोनों की खूब लड़ाई हुई और बिलाआखिर वो दोनों मर गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दोस्तों के रूप में दुश्मनों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अकलमंदी से काम लेना चाहिए।